इस त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से, बड़ी खबर कोरोना की वापसी की। जी हां, इंदौर में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए और कोरोना की वापसी यहां हो गई है। नीमच से एक शख्स और पॉजिटिव पाया गया। दरअसल इस शख्स को होम आइसोलेशन में भेजा गया है और अस्पताल में भर्ती शख्स भी कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने इलाज की व्यवस्था की है और आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना की वापसी हो चुकी है और जांच पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। कोरोना लौट आया है और कोरोना के मामले 3 सामने आए हैं और ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ट्रैवल हिस्ट्री और आप अभी अगर इस तरह इस बारिश के मौसम में, चूंकि ये जो समय है ये वायरल का, इन्फेक्शन का, फंगस का समय है, ऐसे में मानसून में आने वाली इन समस्याओं में कोरोना भी एक समस्या हो सकता है। क्योंकि जिस तरह कोरोना अब इंदौर में पाया गया है उससे जाहिर है कि इस पर निश्चित रूप से कभी कई और लोग इनके संपर्क में आए हुए हो सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना होगा अपना भी और अपनों का भी। वापसी हुई है कोरोना की, क्योंकि 3 नए मामले सामने आए हैं। नीमच से एक शख्स पॉजिटिव पाया गया और जिसे होम आइसोलेशन में रखा गया। हालांकि कोरोना की एंटीबॉडीज होने के बाद लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं, उनमें कोई खास परेशानी उन्हें नहीं हो रही है इससे लड़ने में। लेकिन जिस तरह से कोरोना लौट आया है ऐसे में होम आइसोलेशन की जो प्राथमिकता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिससे कि घर पर ही उसका इलाज किया जा सके। यदि कोई गंभीर समस्या उसे होती है तब ऐसी परिस्थिति में अस्पताल ले जाए जाने की आवश्यकता होगी। फिलहाल आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने क्या व्यवस्था इलाज की है, ये भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। इंदौर में कोरोना ने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 3 नए मामले सामने आने का मतलब है कि अब तक जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं वो भी इसकी संभावनाएं हैं। बात करेंगे मिथिलेश, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, 3 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, कोरोना की इंदौर में वापसी हो चुकी है? बिल्कुल, 3 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना पॉजिटिव मामले जैसे ही सामने आए स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। हो गया रिमोट पे लिया था तो। जी मिथिलेश, क्या आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ मिथिलेश। देखिए, जैसे ही कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और फिलहाल अब एहतियात के तौर पर जिसके संपर्क में आए थे उनकी रिपोर्ट कराने की बात कही जा रही है। ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो निकाली जा रही है, लेकिन ये जो सभी लोग हैं उनके सामान्य लक्षण हैं, कोई भी घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन इसमें जो एक मरीज थे उनका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन के पहले जब कोविड टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला। उसके बाद में कुछ और भी लोग अपनी जांच कराते हैं तो वो भी पॉजिटिव मिलते हैं। हालांकि अब सभी लोगों की स्थितियां जो है सामान्य है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य विभाग निगरानी करी हुई है, मॉनिटरिंग कर रही है और किन किन लोगों के संपर्क में है, क्या कुछ उन्हें लक्षण थे और जो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग की बात कराने की बात कही जा रही है कि ये आखिर कौन सा वेरियंट है जिससे वो पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन मिथिलेश, जो कि अभी 3 नए मामले ही सामने आए हैं जिसकी सिर्फ यही बात कही जा सकती है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं रही होगी, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे थे। लेकिन लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग में अगर कहीं कोई लापरवाही बरत रहे हैं तो उसे ना बरतें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और मुरैना से एक अहम खबर, जहां शराब पीने से मना करने पर हंगामा हो गया और बदमाशों ने गोली चला दी मकान मालिक पर, जिसके घर के सामने खड़े होकर सब शराब पी रहे थे, उसके द्वारा एतराज करने पर उसे गोली से मारने की कोशिश की गई और हमले में बाल बाल बचा मकान मालिक। कोतवाली थाना क्षेत्र के चुंगी नाका का यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और असामाजिक तत्व जो हाथों में हथियार लेकर गलियों में शराब पीते फिर रहे हैं, पुलिस की पहुंच से क्यों दूर है, बहरहाल ये भी एक देखने का विषय होगा। अभी फिलहाल आपको बता दें कि शराब पीने से, यहां पर खड़े होकर शराब पीने से मना किया था और इस पूरे घटनाक्रम में अब देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये दरअसल एक सीसीटीवी वीडियो है जो कि उसी घर के सामने लगा हुआ था और रात के समय की ये बात है।
और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हालांकि इन आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है, पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर हैं। और मुरैना में एक शख्स के साथ मारपीट की गई, स्कूटी सवार एक शख्स जिन्हें 4 से 5 लोगों ने पकड़कर घेर कर मारा और सीसीटीवी कैमरे में यह सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया। दरअसल पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। माधोपुर की पुलिया के पास ये घटना हुई है, आप देखिए तस्वीरों में। और स्कूटी पर सवार होकर ये शख्स आया था और एक परिवार के 4-5 लोगों ने घेर कर उसे बुरी तरह से मारा। आखिर विवाद क्या था, कारण क्या रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुरैना से पूरा मामला सामने आया, सीसीटीवी में मारपीट की ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस शख्स को मारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसने अपने बचाव में डंडे को पकड़ लिया और अपना बचाव किया। हालांकि और भी लोग उस दौरान वहां पहुंच गए और दिनदहाड़े ये मारपीट की घटना हुई मुरैना में। और खरगोन से एक अहम खबर, हथियार की नोक पर व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। दरअसल बस में सवार व्यापारी से लाखों रुपए की लूट हो गई। अज्ञात 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार हो गए और बड़वाह शहर में नाके पर वारदात को अंजाम दिया गया। और ये लाखों रुपए लेकर बस में जाने की आखिर क्या जरूरत है, ये भी एक अहम सवाल है। और ऐसे में इस पूरे मामले में जानकारी, हालांकि अभी जो मिल रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि व्यापारी जो बस में लाखों रुपए लेकर गया था, और बस में लाखों रुपए लेकर यदि कोई जाएगा तो स्वाभाविक है उसे खुद अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीरता नहीं है। अब एक व्यापारी जो नकाबपोश बदमाशों ने इससे रुपए लूटे और इस वारदात को अंजाम दिया। और आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, लाखों रुपए बस में लेकर जा रहा व्यापारी, तो इतनी पुलिस पर, इतनी कानून व्यवस्था पर और लोगों पर इतना भरोसा था इसे? आशीष बिल्कुल सही बोल रहा है, काटकूट पास में ही बड़वाह के पास गांव है, बड़वाह में भी व्यापारी का मकान है और काटकूट में भी है। निश्चित ही ये उसकी बड़ी एक लापरवाही है। निजी यात्री बस से वो जो इंदौर काटकूट से इंदौर चलती है उसमें सवार होकर बड़वाह आ रहा था। इस दौरान बड़वाह में जो नाका है शहर का, वहां पर 3 अज्ञात बस ट्रैफिक होने की वजह से बस स्लो हो गई थी। 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाश बस में चढ़ते हैं और बस में चढ़ने के बाद 1,80,000 से जो रुपयों से भरा हुआ बैग था वो लेकर फरार हो जाते हैं। और व्यापारी से भी हमारी बातचीत हुई तो व्यापारी का कहना है कि वो उनके सिर पे वार किया गया और ले गया। और व्यापारी का ये कहना था कि वो बैंक में उसको पैसे आज जमा करना था इसलिए वो लेके आ रहा था। व्यापारी की लापरवाही भी है, लेकिन ये जिस प्रकार से जो घटना हुई है और बीती रात की घटना बताई जा रही है, कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं। आशीष, स्वाभाविक है सवाल उस व्यक्ति पर भी उठने चाहिए जो लाखों रुपए लेकर बस में जा रहा है। बहरहाल अब अपने आसपास घूम रहे लोगों पर अगर उसे इतना विश्वास है कि वो इस तरह की पैसे खुलेआम वो लेकर जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन को अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी होगी। और लोग जो इस खबर को देख रहे हैं तो वो इस खबर से कुछ सीख लें, यही कोशिश हमारी भी रहती है ऐसी घटनाओं से आप तक जानकारी पहुँचाकर सीख लेने। और भिंड में पुलिस को देखकर एक संदिग्ध भाग खड़ा हुआ। दरअसल कार सवार एक शख्स भागने के दौरान पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार देता और पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को दबोच लिया है। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई, सीसीटीवी भी आपको दिखाएंगे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, और देखिए किस तरह से ये टक्कर हुई। भिंड में पुलिस को देख भागा संदिग्ध कार सवार युवक, भागने के दौरान पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को दबोचा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। और खंडवा में डायरिया के चलते एक शख्स की मौत हो गई जिसमें 27 मरीज अभी भी उल्टी और दस्त के शिकार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जांच की और 6 सैंपल्स लिए गए। दरअसल कुएं में गंदगी है, इस वजह से
उसका गंदा पानी पी लेने की वजह से लोग बीमार हुए थे और खालवा क्षेत्र के बाराकुंडा गांव का ये पूरा मामला है। में डायरिया के कहर से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं कुछ अन्य मरीजों को भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूरा मामला क्या कुछ है हम जानेंगे जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा से। सर, किस तरह का मामला है, क्या कुछ जानकारी है? जी, ग्राम बाराकुंड विकासखंड खालवा जिला खंडवा अंतर्गत एक उल्टी दस्त की सूचना प्राप्त हुई थी गाँव से। एक व्यक्ति हैं अशोक पिता शंकर, 25 साल के लगभग उनकी उम्र है, ग्राम बीचपुरी विकासखंड सिराली जिला हरदा के निवासी हैं, जो कि अपने ससुराल आए हुए थे बाराकुंड में। उन्हें पूर्व से भी किसी बीमारी का इलाज चल रहा था। रात में 1 बजे के करीब उनको उल्टी दस्त की शुरुआत हुई और सुबह 8 बजे उनको PSC रोशनी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर संतोष मोरे द्वारा उनको देखकर बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक कुआ है जो कि गंदा था और नीचे बना हुआ है, आसपास वहां पे बायोकंपोस्ट खाद के भी स्थान थे, लोगों के द्वारा वहां से अपनी पर्सनल पाइपलाइन डालकर और घरों तक पानी की सप्लाई हो रही थी। जिन लोगों ने बड़ा मोहल्ला और ऊपर आवार जो दो एरिया हैं जो कि इस दूषित कुएं के जल का सेवन कर रहे थे, केवल उन्हीं लोगों में उल्टी दस्त की शिकायत पाई गई है। और इस मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए जो उपाय हैं वो जरूर करें। अमित जायसवाल, News 18 खंडवा। और सागर में दीवार गिरने के बाद की घटना के बाद शाजापुर में भी प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। और यहां शाजापुर में नगर पालिका ने शहर के 15 जर्जर मकानों को 24 घंटे के अंदर खाली कर उन्हें सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करने यानी डिमोलिश करने के लिए नोटिस जारी किया है। शाजापुर नगर पालिका ने शहर के 15 जर्जर भवन चिन्हित किए हैं और इन भवनों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोमवारिया बाजार में खतरनाक भवन चिन्हित किए गए हैं। सोमवारिया भी व्यावसायिक दृष्टि से शहर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जर्जर जो बहुत ज़्यादा जर्जर और गिरने जैसे स्थिति में है उन भवनों का निरीक्षण किया गया है और उनको 24 घंटे का टाइम दिया है जिसे वो रिक्त कर सके या स्वयं ही जर्जर भवनों को गिरा सके, उसके बाद हम फिर कल सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और रतलाम में सागर हादसे के बाद जिला प्रशासन अब जर्जर भवनों को गिराएगा। बीते रोज 5 भवन ध्वस्त किए गए थे और अब 60 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जिसे ध्वस्त किया जाना है। और निवाड़ी जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां पर पैर फिसलने से कुएं में गिरे एक शख्स की मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि अचानक पैर फिसलने से शख्स कुएं में जा गिरा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी लोहरगुहा पुलिस चौकी प्रभारी को दी गई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने SDRF की टीम को बुलाया, जहां SDRF की मदद से युवक का शव कुएं से बाहर निकाला गया। पूरा मामला निवाड़ी जिले के ककावनी गांव का बताया जा रहा है। अगली खबर भिंड से है, जहां प्रशासन की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई। दरअसल बुजुर्ग की मौत के बाद घर बाहर किया अंतिम संस्कार, शमशान तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, मजबूरी में घर के बाहर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा और ग्रामीण लंबे समय से रास्ता बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। और ग्रामीणों की मांग जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और कई बार शिकायत के बाद भी SDM ने एक टीम को गांव भेजा है और मनोहरपुरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रविरामन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रवि, इतनी मजबूरी कि घर के बाहर ही अंतिम संस्कार करना पड़ गया? जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा है कि ये मजबूरी है, मजबूरी
बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों की, और ये पहला मामला नहीं। अभी तक अपन ने मामले देखे थे कि मुक्ति धाम में टीन सेट ना होना, अभाव होना, तो बारिश के चलते लोग पॉलीथीन और टीन लगाकर अंतिम संस्कार करते रहे हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाला मामला जो सामने निकल कर आया है वो भिंड जिले के एंडौरी ग्राम पंचायत के मनोहरपुरा गाँव से आया है, जहाँ पर एक जो जट माहौर जो है वो दलित समाज से आते हैं, उनके द्वारा जो अगर जो अंतिम संस्कार जो मुक्ति धाम होता है जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है, अंतिम संस्कार किया जाता है मरने के बाद, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी खास बात यह है, इस मामले को लेकर जब हमने जिला पंचायत सीईओ जगदीश गौमे हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि मौके पर हमने एई को भेज दिया है, मामला संज्ञान में आया है, अब इसके बाद देखने वाली बात होगी। एई जांच पड़ताल ये करने गए हैं कि ये 10 साल पुराना बताया जा रहा है, मुक्तिधाम तो 10 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं था, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है तो खेतों से होके पहले गुजर जाते थे स्थानीय लोगों का कहना है, लेकिन अब खेतों में पानी भर चुका है, रास्ते की जो मेड़ें हैं वो भी फूट चुकी हैं, खेतों में इस समय गोहत क्षेत्र में धान की बुवाई चल रही है, इस वजह से खेतों में पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन इस वजह से जो लोग हैं वो मुक्तिधाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका जो परिणाम है वो सामने निकल कर आया है कि लोगों जो मुक्ति लोगों ने अपने घर के बाहर परिजनों ने अपने पिता की जो है वो मुक्ति जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो घर से कुछ दूरी पर घर के बाहर कर दिया है, और ये बेहद ही जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा करता हुआ ये मामला जो है, अब ये मामला हाईलाइट आया है तो मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। SDM पराग जैन से भी हमारी बात हुई है, उनका भी कहना है जो भी जांच में आएगा, अगर यदि जांच में अगर यदि रोड नहीं है तो पंचायत से जगह लेकर या पंचायत से बात करके जल्द ही मुक्तिधाम तक पहुंचने का एक मार्ग, सुगम मार्ग बनाया जाएगा, जिससे लोग अंतिम संस्कार के लिए आराम से पहुंच सके, चाहे वो सर्दी हो बरसात हो किसी भी मौसम में जा सकते हैं। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चुनावों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा मंथन करने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई और इसमें कई बड़े नेताओं के पहुंचने की जानकारी मिल रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आगामी जो अभियान चलाए जाने उसको लेकर संगठन किस तरह से काम करेगा इस पर चर्चा होगी और जनता के बीच जाने की रणनीति तय होगी, कैसे लोगों के बीच जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। अब क्या बैठक के बारे में डिटेल रहेगी आगे आप तक पहुंचाएंगे जानकारी, और कौन कौन अब तक पहुंचा है और कितने समय में ये बैठक शुरू हो जाएगी बात करेंगे शैलेंद्र चौहान से, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही है BJP के इस मंथन को लेकर, क्या और कौन कब तक पहुंचने वाले हैं? देखिए BJP का सबसे अहम मंथन है और आज सभी प्रमुख नेता भोपाल में है, प्रदेश कार्यालय पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। अगर बात की जाए तो आज की बैठक में सभी जिला अध्यक्ष हैं, विधायकों को ही बुलाया गया है, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जो जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जो अलग अलग विभागों को संभालते उन सभी प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया है। अगर बात की जाए तो जो प्रदेश के प्रभारी हैं महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, लोकसभा चुनाव के बाद इन्हें प्रभारी बनाएगा और ये दोनों ही नेता आज पहली बार भोपाल में इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया जाएगा संगठन का, किस तरह का कामकाज चल रहा है जिलों में, क्या रोडमैप है पार्टी को आगे किस तरह काम करना है, और खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर कुछ दिनों से लगातार विधायकों की नाराजगी सामने आ रही थी, कई विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर नाराजगी जताने के साथ ही हटाने तक की बात कही है, कहीं ना कहीं जनता के बीच जो दिक्कतें आ रही उन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज लाइन दी जाएगी, टिप्स दी जाएगी, जहां पर सभी प्रमुख नेता, अगर CM डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री जो शिव प्रकाश वो भी मौजूद रहेंगे, तो सभी क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल है, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, ये सभी बारी बारी से यहां पर मौजूद रहेंगे और बैठकें लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे, प्रहलाद पटेल के भी आने की सूचना है। तो सभी प्रमुख नेता आज यहां पर बैठेंगे और आगे पार्टी की लाइन किस तरह हो, किस तरह संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाना है,
और आने वाले 2 से 3 महीने का क्या रोडमैप होगा उसको लेकर चर्चा होगी। सबसे अहम बात की जाए तो जिले के जो प्रभारी मंत्री तय होना है, तो आज शाम को जो बैठक होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें जो प्रभारी मंत्रियों के संभावित जो नाम है उनको लेकर चर्चा होगी कि किस मंत्री को क्या जिला दिया जाना है उसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि शाम को सभी कोर कमेटी के ज्यादातर सदस्य भोपाल में मौजूद है और वो बैठेंगे। तो ये बैठक शाम वाली और महत्वपूर्ण होगी, जिसमें ये फैसला होगा कि कहां पे जिले में प्रभारी मंत्री भेजे जाएं और किनको कौन से जिले का प्रभार दिया जाए, क्योंकि 15 अगस्त के पहले सभी जिले तय करना है। इसके अलावा बात की जाए तो विधायकों से भी फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और उन्हें जो लगातार रोज राशि दी गई है, जो प्रत्येक सभी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है, तो वो क्षेत्र में विधानसभा में क्या विकास के काम कर रहे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, और दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। कुछ ही देर में सीएम पहुंचने वाले, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने वाले, इसके अलावा पहुंचेंगे और बैठक में क्या कुछ विषय उठाए जाते हैं और बैठक के बाद क्या डिटेल्स होगी ये जानने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बांग्लादेश के मुद्दे पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं, 8,000 छात्र जो वहां मौजूद हैं उनकी वापसी हो चुकी है, 12,000 से 13,000 भारतीय अभी भी वहां फंसे हुए हैं। बैठक में राहुल गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि तख्ता पलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं। आपको बता दें कि जिस तरह से एक छात्र आंदोलन से शुरू हुआ बांग्लादेश का हाल अब अराजकता की अग्नि तक पहुंच गया। विनीत कुमार से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, ये मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है और भारत के हस्तक्षेप की निश्चित रूप से यहां बहुत आवश्यकता भी है, और अभी एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई और अब सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो है वो बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी जो पक्ष है सभी दल के साथ संपर्क में रहना चाहता है और सभी दल को कॉन्फिडेंस में रखना चाहता है, और इसीलिए सरकार ने एक बैठक जो है सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई है। बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार मामलों की जानकारी जो है वो सर्वदलीय दल की जो बैठक हुई उसमें साझा किया, सभी जो पक्ष है जो राजनीतिक दल है उनके साथ साझा किया। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार जो है वो बांग्लादेश की जो आर्मी है उनके टच में है। सरकार की ओर से जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें यह कहा गया सरकार जो है वो आर्मी के पक्ष में है, और जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे विदेशी ताकत में का भी हाथ है। इस पर जो है विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार की जो प्राथमिकता है वह अब भारत के हितों की प्राथमिकता है। वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं जिसमें कई छात्र भी हैं उनकी सकुशल वापसी प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है, और हालांकि सरकार जो है वो मामले पर जो है वो पूरी तरह से नजर बनाए। स्वाभाविक है, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और बढ़ते आगे, हरदा जिले में इन दिनों बारिश के चलते नर्मदा जी उफान पर हैं, और इस बीच हंडिया में नर्मदा नदी में मगरमच्छ दिखाई दिया जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से आसपास के गांव में खतरा बढ़ गया है। और छतरपुर में यातायात थाने से टीकमगढ़ ट्रांसफर हुए एसआई महेश सेन की विदाई पार्टी में पुलिस कर्मचारियों ने जमकर डांस किया। अपने सहकर्मचारियों से उन्हें शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया, और इसका एक वीडियो भी सामने आया। और यार रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।